हेलो माइक टेस्टिंग। और भाई कैसे सब लोग? 3 2 1 लेट्स गो लोंडो। नमस्कार फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके चैनल ओपी गेमिंग ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स अपनी आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आप खेलते हो पबजी मोबाइल तो उसमें एक नई जो है यहाँ पे स्कोप आया, नया इक्विपमेंट आया जिसका नाम है कैंटेड साइट। ठीक है, इसकी आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपको जो है दोबारा से ऐसी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैंटेड साइट क्या है। ठीक है, तो फिर इसकी मैच की मुझे लेट्स गो लोंडो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैंटेड साइड जो है ये एक तरीके का रेड डॉट, मान लो आप इसे रेड डॉट बोल सकते हो, क्योंकि जब आप इसको लगाते हो तो आपकी दूसरी गन में जो है रेड डॉट भी लग जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात मेरी सुनो, इस कैंटेड साइड को यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो, ठीक है मैं भी बताऊँगा। पहली बात तो कैंटेड साइड जो है एक ही गन में यूज़ हो सकती है। अगर आपके पास एक है, एक कैंटेड साइड है, आप यहाँ पर लगाओगे ये दूसरी गन में यूज़ हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस वाली गन में अब यूज़ नहीं हो रही है, अब देखो दूसरी गन निकाल लो जब ये साइन आ रहा है। ठीक है, ये कैंटेड साइड का साइन। अब इसकी सबसे जो है मतलब ध्यान देने वाली बात है वो है ये कि कैंटेड साइड का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अब कैंटेड साइड को यूज़ करने के होते हैं दो तरीके। जब आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे तो सेटिंग्स में यहाँ पे आप देखोगे कैंटेड साइड बटन। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे दो तरीके लिखे हुए हैं, एक है टैप टू यूज़ और एक है टैप टू स्विच स्कोप। ठीक है, अब पहले मैं आपको सिखाता हूँ टैप टू यूज़ में क्या होता है। टैप टू यूज़ में ये होता है जब आप यहाँ पे टैप करोगे इसको तो आपका रेड डॉट खुल जाएगा। ठीक है, बात ध्यान से सुनना, टैप टू यूज़ में ये है कि आप टैप कर रहे हो तो रेड डॉट खुल रहा है, मतलब टैप कर रहे हो तो कैंटेड साइड खुल रही है। ठीक है, और दूसरा तरीका आपका है टैप टू स्विच स्कोप। टैप टू स्विच स्कोप में ये है, यहाँ पे मेन वगैरह लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, मेन का मतलब ये है, इसमें अभी मेन लिखा हुआ है, यहाँ पे अब स्लाइड लिखा हुआ है, इसमें मेन का मतलब ये लिखा हुआ है कि आपका जो मेन स्कोप है वो आपका लगा हुआ है इस टाइम। ठीक है, आपका जो मेन स्कोप है, यहाँ पे मेन स्कोप मेरा कौन सा लग रहा है, 4x लग रहा है। ठीक है, अगर मैं 2x लगा दूंगा तो 2x लग जाएगा। अब मेन पे करा तो मेन 2x लग रहा है, और यहाँ पे अगर मैं दोबारा क्लिक मारता हूँ ये देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्लाइड। ठीक है, ये देखो स्लाइड लिखा हुआ आया है। अब स्लाइड क्यों लिखा हुआ आया है, क्योंकि मैंने एक बार टैप करा है और मैंने यहाँ पे ऑन क्या करा है, मैंने यहाँ पे ऑन करा है टैप टू स्विच, मतलब अगर मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो ये जो साइट है वो स्विच हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टैप कर रहा हूँ स्लाइड हो गई, स्लाइड हो गई मतलब रेड डॉट। ठीक है, यहाँ पे फिर से टैप कर रहा हूँ फिर मेन हो जा रही है, ये देखो टैप करने से ये स्कोप अपने आप चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, और ये आपके जो है काम जब आएगी आपकी, कि अगर जैसे कि मान लो आपका बंदा बहुत, आप यहाँ पे दूर से दूर का बंदा मार रहे हो, एक बात ये हो रही है मतलब कि आप यहाँ पे दूर का बंदा मार रहे हो। ठीक है, एक दफ़ी बंदा पास में आ जाता है तो आप तुरंत ही यहाँ से स्विच करके ना अपना इसको बदल सकते हो और रेड डॉट से उस बंदे को मार सकते हो, पास वाले बंदे को। जैसे आप दूर में कर रहे हो और एकदम ही कोई बंदा आ जाए, फिर आप एकदम स्लाइड कर दो और स्लाइड से फिर आप पास वाले बंदे को मार सकते हो। ठीक है, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जानना जरूरी था, एंड आपके भाई ने जितना हो सकता है उतना आपको बताया। ठीक है, इससे ज़्यादा इस स्कोप को जानने में कुछ और, हाँ एक बात सुनो मेरी, ये और चीज़ है, अगर आपका स्लाइड खुली होगी ना, अगर आपकी कैंटेड साइड यहाँ पे खुली होगी तो देखो यहाँ पे ना क्रॉस का साइन आएगा, ये देखो क्रॉस आ रहा है, इसको देखना, क्रॉस एयर को देखना, और दोबारा टैप करोगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस बन रहा है, अब ये कर रहा हूँ, ये देखो ये क्रॉस बन गया, ये प्लस बन गया। ठीक है, ये और चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। ठीक है, मतलब ये ध्यान देने वाली चीज़ें होती है, आप यहाँ से ही समझ सकते हो कि ये स्लाइड है या फिर वैसा है मेन स्कोप है। ठीक है, मेन होएगा तो प्लस आएगा, स्लाइड होएगा तो क्रॉस आएगा। ठीक है, तो भाई जितनी मेरे को जानकारी बता दी, जितनी जरूरत थी उतनी मैंने आपको बता दी। अगर भाई मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने भाई की वीडियो कर देना लाइक, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो फिर इसकी बहस की मुझे लेट्स गो लोंडो, एंड यार बहुत बहुत शुक्रिया अपने भाई की इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर से यार, ऐसी ट्रिक्स और ग्लिचेस लाता रहता हूँ, ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो जरूर सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं क्योंकि अगली वीडियो भी आने वाली है। ठीक है, थैंक यू।